चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है। आप पहले तो किताब खोलकर बैठ जाइए, उसमें चित्र देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 में क्या किया है, चित्र आपको दिया हुआ है। बोलिए रहा है कि आपको त्रिभुज जो चित्र दिया है उसमें ए बी ई सर्वांगसम है ए सी डी के, मतलब ये वाला जो त्रिभुज पूरा बन रहा है इस पूरे त्रिभुज का सर्वांगसम है, दिया हुआ है चित्र में देख सकते हैं। क्या दिया है, तो त्रिभुज ए बी ई, ये वाला ए बी ई सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। अब हम लोग को सीधे ये करना है कि त्रिभुज ए डी ई और समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का, मतलब ये आधा वाला त्रिभुज पूरे के पूरे त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा, आपको ये दिखाना है। तो प्रमाण की ओर जरा सा चलते हैं, साबित करने की ओर चलते हैं। देखिए प्रमाण में क्या है, आपको जो दिया है वहां से चलते हैं। ये दिया क्या है? दिया है क्या दिया है? दिया यह है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए बी ए सी डी के। ये वाला त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी के सर्वांगसम है। अब जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और संगत भुजाएं, संगत कोण भी उनके आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए बी भुजा उठा लिए, ए बी, तो इस त्रिभुज में ए बी ई में ए बी उठा लिए, तो इधर से चलेंगे ए सी डी में, आपको ए सी उठाना पड़ेगा, यानी ए बी बराबर जाएगा ए सी, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो कि ए बी ई में मतलब ए बी ई में इस त्रिभुज में मैं ए ई भुजा उठा लेता हूँ, आपका है ना ये त्रिभुज ए बी ई, ये वाला पूरा त्रिभुज आपका है, तो इस त्रिभुज का भुजा यदि ए ई उठा रहा हूँ तो इधर से क्या उठाऊंगा, ए सी डी, तो इधर से भुजा मैं उठाकर चलूंगा ए डी, यानी ए ई बराबर हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। ठीक है, इसको पलट देता हूँ, इसको ऐसे भी आप लिख सकते, ए डी को पहले लिख दीजिए, ए डी अब बराबर हो जाएगा आपका ए, इसको समीकरण 2 लेकर चल दे रहा हूँ। ठीक है, अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो समीकरण 1 का समीकरण 2 से भाग करते हैं, तो एलएचएस का एलएचएस से, एलएचएस का एलएचएस से और आरएचएस का आरएचएस से भाग करेंगे, तो ए बी बटा हो जाएगा ए डी, ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए डी, तो इसको लिखेंगे ए बी बटा ए डी। ठीक है, अब बराबर यहाँ ए सी बटा ए ई हो जाएगा, ए सी बटा ए ई, इसको भी उलट देते हैं, तो ए डी ऊपर चल जाएगा, ए बी नीचे चलाएगा, तो ए डी बटा हो गया ए बी, आइए हो जाएगा ए ई बटा हो गया ए सी। ठीक है, तो आपको ये दो भुजा मिल गया, समानुपाती मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं त्रिभुज में, चलते हैं अब दोनों त्रिभुज में, जो सिद्ध करना है आपको, ए डी ई चलते हैं, अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, तथा त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, किसमें, हाफ में, इसमें चल दिया, पूरा त्रिभुज में चल दिया ए डी ई और ए बी सी। तो सबसे पहली बात है, देखी जाए तो दोनों में कोण ए आ रहा है, आप देख सकते हैं ए डी ई और ए बी सी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, कैसे, तो लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ होने के कारण से आपको मिल गया एक एंगल मिल गया। उसके बाद इसमें देख सकते हैं ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ए सी, आप ये प्राप्त कर चुके हैं दो भुजाएं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी बटा ए बी और ए ई बटा ए सी, ये दो तरह का भुजाएं आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको मिल चुका है। ठीक है, जो सर्वांगसम दिया था, तो दो को भुजाएं बराबर हो गया, एगो कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पर लगा देंगे एस ए एस सर्वांगसम, समरूपता लगा देंगे, आप लिखते हैं एस ए एस समरूपता से, एस ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, जो उठाएं समरूप हो जाएंगे, लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 6 क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर दिया हुआ है आपको, चित्र में दिया हुआ, 7 नंबर में देख सकते हैं। इसमें दिया क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आपका ए डी शीर्षलम्ब है और सी शीर्षलम्ब है, दोनों एक दूसरे को पी पर काटते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दिया, जो वहाँ पर गौर करिए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका शीर्षलम्ब ए डी और सी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, तो 4 भाग आपको सिद्ध करना है। पहला भाग है आपका त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, दूसरा भाग है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी, और तीसरा भाग देख सकते हैं, चौथा भी भाग देख सकते, तो इन 4 भाग को आपको समरूप सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो भाग 1 साबित करने की ओर चलते हैं। ठीक है ना, यहां पर चलते हैं, कौन सा त्रिभुज को पहले साबित करना वो देखिए। 1 नंबर त्रिभुज AEP, AEP कहां पर है, त्रिभुज AEP,
हाँ तो त्रिभुज ए ई पी ढूंढिए, ए ई पी त्रिभुज ए ई पी ये वाला त्रिभुज आ रहा है, और उसके बाद त्रिभुज सी डी पी, सी डी पी ये वाला त्रिभुज आ रहा है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों त्रिभुज उठाकर चलते हैं पहले, त्रिभुज ए ई पी और तथा त्रिभुज किस में चलते हैं, सी डी पी में, त्रिभुज सी डी पी में देखते हैं। तो त्रिभुज ए पी और त्रिभुज सी डी पी दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ पर ई पर 90 बन रहा है और यहाँ पर डी पर 90 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई को सजा देते हैं, कोण ए ए ई पी, ठीक है, कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा आपका कोण किसके, इसके सी डी पी के, कोण सी डी पी के ये बराबर हो जाएगा। क्यों? तो 90 डिग्री होने के कारण एक एंगल आपको मिल गया, और साथ में ये शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला शीर्ष वाला कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यही कहता है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्ष वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यह शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, ये वाला कोण कोण पी के बराबर हो जाएगा, इसको सजा देते हैं, पहले इस त्रिभुज में सजा देते हैं, कोण ए पी ई, कोण ए पी ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए पी, यहाँ पर कोण सी पी डी, कोण सी पी डी, ठीक है, कोण सी पी डी, तो ये आपका बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण से, लिख देते हैं यहाँ पर सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण लिखिए, शीर्ष वाले कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से एक एंगल मिल गया। आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। एक कोण पहले से बराबर कर दिए 90 के कारण, ये शीर्ष वाला कोण बराबर कर दिए, तो ये समरूपता भी होता है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी डी पी। तो ये आपका साबित हो गया, भाग वन साबित हो गया, भाग वन साबित जो पहला साबित करना था। अब चलते हैं दूसरा में, पुनः पुनः चलते हैं इस त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी जिसको साबित करना वही उठा के चलते हैं, और त्रिभुज सी डी सी बी ई, सी बी ई ये त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी, देखते हैं ए बी डी कहाँ पर है, त्रिभुज ए बी डी ये पूरा त्रिभुज उठाना है, त्रिभुज ए बी डी और उसके बाद त्रिभुज सी बी उठाना है, सी बी ई ये पूरा त्रिभुज, और उसके बाद आपको ये सी बी ये वाला त्रिभुज ये वाला भाग आपको उठाना है। तो इसमें मिल क्या क्या रहा है, पहले यहाँ पर देखिए, त्रिभुज ए बी डी में, डी में 90 बन रहा है और सी बी ई ई में 90 बन रहा है, तो 90 बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस त्रिभुज में अगर देखी जाए ए बी डी में तो आपको कोण मिल जाएगा ए डी बी, कोण ए डी बी, ठीक है, 90 इसमें ई पर हो रहा है तो आप लिख सकते हैं सी ई बी, कौन सी ई बी ये बराबर हो जाएंगे। क्यों? 90 डिग्री होने के कारण आपको एक एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में डी 90, आज त्रिभुज सी बी ई में आपका ई 90 हो जा रहा है। उसके बाद और देखिए ए बी डी और उसके बाद सी बी ई, तो यहाँ पर कौन जो बी है दोनों में मिल जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं कौन बी बराबर कौन बी, क्या है, तो ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो एक एंगल आपको मिल गया। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे ही लगा दीजिए ए समरूपता होता है, ए ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी और समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी बी ई। तो ये साबित हो गया आपका भाग टू, भाग टू साबित हो गया, ठीक है। अब तीसरा भाग की ओर इसकी चर्चा करते हैं, तीसरा भाग ये सिद्ध करना है, इसको उठा लेते हैं साथ ही, ये उठा लेते हैं त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी, तथा त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं, जो सिद्ध करना उसी में चलते हैं, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी पी में चलते हैं। आप देखिए ए ई पी कहाँ पर है, ए ई पी ये आधा त्रिभुज, और ए डी बी, ए डी बी ये आधा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपको उठाकर चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए पी में ई पर 90 बन रहा है, ए डी बी में आपका डी पर 90 बन रहा है, तो ई बराबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पर 90 बन रहा है। तो पहले ई वाले त्रिभुज को ए पी को सजा देते हैं यहाँ पर, कौन ए पी, इसका मतलब यहाँ पर ई पर 90 बन रहा है, ठीक है ना, ए पी और इसमें सजाएंगे ए डी बी, तो कौन ए डी बी, ये 90 डिग्री के कान से बराबर हो जा रहा है, आपको एक एंगल यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए क्या क्या हो रहा है, त्रिभुज ए पी और त्रिभुज ए डी बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोण ए आ रहा है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो यहाँ पर इसको भी सजा देंगे ई ए पी, पहले वाले त्रिभुज में ई ए पी
बराबर। उसके बाद है कोण ई ए पी, आप पूरा त्रिभुज में ए बी डी में चलेंगे तो यहाँ पर इसको सजाते हैं डी ए बी, ठीक है ना, कोण डी ए बी, ये आपका उभयनिष्ठ हो जा रहा है, मतलब ए जो कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में मिल जा रही है, तो इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, ये भी आपको एक एंगल मिल गया, तो दो कोण इसके बराबर हो गए, तो ए समरूपता लगा दीजिए, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तो इस तरह से आपका ये कौन सा भाग क्लियर हो गया, भाग तीन क्लियर हो गया, भाग तीन साबित हो गया, ठीक है। अब इसका चौथा भाग जो साबित करना है, अब चलते हैं उसमें, अब देखिए अब इस त्रिभुज में चलते हैं, अब त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में, अब इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, इन दोनों त्रिभुज को पहले देखिए पी डी सी कहाँ है, पी डी सी ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, और उसके बाद त्रिभुज है बी ई सी, तो देख सकते हैं बी ई सी, तो ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपको उठाकर चलना है, तो देख सकते हैं पी डी सी में आपका डी पर 90 बन रहा है और उसके बाद बी ई सी में आपका ई पर 90 बन रहा है, तो डी बराबर हो जाएगा ई, क्योंकि दोनों पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर पहले इस त्रिभुज में सजा देते हैं इसको, तो इसको सजा देते हैं कोण सी डी पी, कोण सी डी पी, डी पर 90 बन रहा है, और इस त्रिभुज में बी ई सी में सजाते ई को सजाएंगे, बी ई सी बराबर हो जाएगा कोण बी, कोण बी ई सी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों, 90 डिग्री बनने के कारण ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ पर डी बराबर हो गया ई, इसी को सजा कर लिख दिया कोण सी डी पी, अब बराबर हो गया कोण बी ई सी, एक एंगल मिल गया। अब ध्यान देंगे किस में चले हैं आप चले हैं पी डी सी और उसके बाद बी ई सी, तो देखने को मिल रहा है कि जो सी वाला शीर्ष है ये दोनों में आ रहा है, ये सी वाला शीर्ष क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं डी सी पी, कोण डी सी पी, इसमें से आ जाते हैं कोण ई सी बी, क्योंकि सी सी है तो लिख देंगे इसको कोण ई सी बी, तो यहां से देखिए सी वाला शीर्ष दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, क्या है, ये आपका उभयनिष्ठ है, तो एक एंगल और मिल गया आपको, तो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनके तीसरे कोण अपने आप बराबर हो जाते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ए समरूपता लगा दीजिए, क्योंकि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो त्रिभुज पी डी सी आज समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, ये आपका साबित हो गया भाग चार साबित हो गया, भाग चार साबित हो गया। तो इस तरह से आपका सात नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखिए आठ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, बोलिए रहा है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज दिया है, तो आप किताब खोलकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आठ नंबर में बोला है कि ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या किया है कि ए डी के भुजा को ई तक बढ़ा दिया गया है, और फिर इसको बी को फिर ई तक बढ़ा दिया गया है, तो ई को बी से मिला दिया गया है, फिर बी जो है ना सी डी को एफ पर काटती है, यही बात लिखा गया कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। अब समानांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सामने वाले कोण, इनके मुख वाले कोण, ठीक है ना, इनके सामने वाले कोण आपस में क्या होंगे, सब बराबर होते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, एक बात ध्यान से देंगे, पहले दिया क्या था, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए डी भुजा को ई तक बढ़ा दिया गया, जो ए डी भुजा है उसको ई तक बढ़ा दिया गया है, और जिसमें बी और सी डी एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, ये बी और सी डी एक दूसरे को देख सकते हैं एफ पर काटते हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी बी एफ के, किसके दिखाना है, त्रिभुज ए बी ई, ये वाला पूरा त्रिभुज दिखाना है कि त्रिभुज सी बी एफ के समरूप है, ये वाला, ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो चलिए जैसे प्रमाण करते हैं, साबित करते हैं इसको, प्रमाण साबित करते हैं, तो इस त्रिभुज को उठा लीजिए, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में चल देते हैं, त्रिभुज सी एफ बी में। अब देखिए ये वाला जो ए डी है, ए डी समानांतर है बी सी के, मतलब ए डी जब समानांतर है तो ये पूरा भाग ए ई समानांतर हो जाएगा किसके, आपका बी सी के, मतलब ए ई समानांतर बी सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब दो समानांतर रेखाएं होती है, उनको कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो उनका एकांतर कोण, ये वाला कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ई और आपका क्या है, ए ई और बी सी समानांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इनका जो ए वाला एकांतर कोण होगा, इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को लिख देते हैं ए ई बी में, यहाँ पर चलते हैं कोण ए ई बी, यहाँ ई वाला कोण बी कोण के बराबर हो जाएगा, तो ई को सजा देते हैं ए ई बी, अब बराबर हो जाएगा कोण, ये बी के बराबर होगा, तो इसको भी सजा देते हैं सी बी एफ के, कोण
सी बी एफ के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कैसे, तो लिख सकते हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये आपको एक एंगल मिल जाएगा कैसे, तो एकांतर कोण से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए ही समानांतर है बी सी के। उसके बाद एक और चीज पढ़े होंगे कि हम बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब सम्मुख कोण इनके बराबर होते हैं, मुख के सामने वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी, तो इस त्रिभुज में आपका कोण ए मिल जाएगा और इस त्रिभुज में आपका कोण सी हो गया। कोण ए बराबर कोण सी कैसे बराबर होगा, तो सम्मुख कोण से आपका बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण से। तो आपको ये भी क्या हो गया, एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, चाहे ए समरूपता पाई जाती है उसको भी आप लगा दीजिए, ए समरूपता ही लगाते हैं, ए समरूपता से, ए समरूपता से जो त्रिभुज उठाए वो समरूप हो जाएंगे, देख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज सी एफ बी के, आपको यही प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कि ए बी सी और ए एम पी दो तरह का समकोण त्रिभुज है, देख सकते हैं ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये खड़ा वाला त्रिभुज और ये क्षैतिज त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, ये और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें एम 90 है और कोण बी क्या है 90 है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया ए बी सी तथा ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण एम, एम का मान 90 डिग्री है और कोण बी इसका भी मान कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे ये करना है कि पहले दिखाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होनी चाहिए त्रिभुज ए एम पी के, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होना चाहिए, और फिर इसमें भुजाएं भी अनुपातिक आपको दिखाना है। प्रमाण की ओर चलते हैं, जरा सा देखिए साबित करने की ओर हम लोग चलते हैं। तो प्रमाण जो करना है उसको उठा लीजिए, इसको समरूप दिखाना, इसी को उठा कर चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में चलते हैं, ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में चलते हैं, ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में चलते हैं। तो पहली बात है ए बी सी में आपका कोण भी 90 है और ए एम पी में कोण एम 90 है, तो इसको सहायता है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी एम, यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एम, क्यों, तो क्यों 90 डिग्री के कारण आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण बी कोण एम के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और देखिए ए बी सी ए एम पी, तो यहाँ पर जो कोण ए है ये दोनों में आ रहा है, तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया, एक एंगल मिल गया। अब मालूम है जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, या चाहे ए समरूपता भी आप लगा सकते हैं, ए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए एम पी, तो ये आपका साबित हो गया, भाग वन साबित हो गया, ठीक है। अब भाग टू दिया आपको, साबित ये करना है, तो जानते हैं जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएंगी। चलते हैं इन दोनों त्रिभुज, मान लो कि ए बी सी में हम लोग उठा कर चलते हैं इसकी भुजा सी ए, कर्ण उठा लेते हैं, सी ए क्या है, कर्ण इस त्रिभुज का, तो सी ए, तो आपको ए एम पी में भी आपको कर्ण उठाना पड़ेगा, तो इसका कर्ण क्या बन रहा है, ए पी बन रहा है, चाहे इसको पी ए कह सकते हैं, तो सी ए बटा हो जाएगा पी ए। अब बराबर चलते हैं, अब उठा लेते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी में इसका लंबवत भुजा बी सी चाहे सी बी उठा लेते हैं, बी सी या सी बी भी कह सकते हैं इसको, तब बी सी उठा लिए, ठीक है, तब इसका बटा भुजा क्या है, लंबवत उठाया, तो यहाँ भी लंबवत, इस त्रिभुज में ए एम पी में आपका एम पी हो जाएगा लंबवत, इसी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको लिख देंगे बटा हो जाएगा एम पी। मतलब मान लो इस त्रिभुज में कर्ण उठाएंगे तो इस त्रिभुज में भी आपको कर्ण उठाना पड़ेगा, इस त्रिभुज में लंबवत उठाएंगे तो इस त्रिभुज में भी आपको लंबवत भुजा उठाकर चलना पड़ेगा, तो अगर सी ए बटा पी या बराबर बी सी बटा एम पी, आपको दूसरा भाग यही सिद्ध करना था, तो इस तरह से आपका दूसरा भाग भी क्या हो गया, साबित हो गया, दूसरा भाग साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, इस तरह से आपका सल्व हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को बनाते हुए फिर मिलेंगे।